Hello everybody, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. Aaj ke is video mein, main aapke saath mein EWS Scholarship for Class 10 Pass Students 2020 discuss karunga. Aap screen par dekh sakte hain, EWS Scholarship jo hai, agar aapne iske liye apply kiya aur aapka selection ho jata hai, to aapko 10,000 rupay ki rakam milti hai, jo aapke bank ke account mein aati hai. इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं buddyforstudy.com पर. आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है. और सबसे पहले हम देखते हैं EWS प्रोग्राम के बारे में. EWS स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10 पास स्टूडेंट्स जो है वो बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है. जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वो इसलिए लिया है कि जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है लेकिन जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो वो इन्हें स्कॉलरशिप की मदद देते हैं ताकि वो 11th और 12th में पढ़ सकें, ठीक है. और बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरिटोरियस मतलब अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को हेल्प करती है आगे पढ़ाई करने में, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो बडी फॉर स्टडी फाउंडेशन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, ठीक है. तो ये हो गई स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन. अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है. जो बच्चे फ़िलहाल एट प्रेजेंट क्लास 11 या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए उन्हें स्टैंडर्ड 10th को पास करना बहुत ज़रूरी है और 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके कम से कम 50% मार्क आना कंपलसरी है. और सालाना इनकम जो एनुअल इनकम है उनकी फैमिली का, स्टूडेंट की फैमिली का, वो 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए एनुअल इनकम. और वो फ़िलहाल जो 11th और 12th है वो रेगुलर कॉलेज से कर रहे हों, रेकग्नाइज बोर्ड से वो कॉलेज होनी चाहिए और वो बोर्ड जो है जिससे वो कर रहे हैं वो रेकग्नाइज होना चाहिए और उनका इंस्टीट्यूशन भी जिनसे वो कोर्स कर रहे हैं 11th और 12th का वो भी रेकग्नाइज होनी चाहिए. मतलब डिस्टेंट लर्निंग या करस्पॉन्डेंस करने वाले बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. और जो स्टूडेंट है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 10,000 रुपये उससे आपको मिलेंगे जिससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी. अब देखते हैं कि सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन कैसे करते हैं. जो सिलेक्शन होता है वो अलग अलग प्रोसेस है इनका. जब स्टूडेंट अप्लाई करता है उसके बाद में ये एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं अलग अलग स्टेजेस में और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन का क्राइटेरिया है फैमिली इनकम और एकेडमिक बैकग्राउंड. मतलब वो देखते हैं कि फैमिली इनकम स्टूडेंट की कैसी है, क्या वो फाइनेंशियली सच में बहुत वीक है. और वो ये भी देखते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्या उसको पढ़ने में कुछ दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके मार्क्स कैसे हैं. वो सारी चीज़ों को देखने के बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो वो लोग स्क्रीन करते हैं पहले जो एप्लीकेशन होता है उसको, उसके बाद में टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है एक बार, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फेस टू फेस बुलाकर भी उनका इंटरव्यू करते हैं और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन करते हैं. अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं जब आप अप्लाई करते हैं. तो सो आपको चाहिए एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड है वो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है. एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड होता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है. क्लास 10 मार्कशीट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड की आप मार्कशीट लें, अच्छा क्लियर उसका फ़ोटो कॉपी लें और उसके ऊपर साइन कर दें. प्रूफ ऑफ एडमिशन कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपका कॉलेज का आईडी कार्ड या एडमिशन लेने के बाद में जो आपको फ़ी रिसीट मिलती है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है.
करंट एकेडमिक ईयर फी रिसीट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपने फ़ीस भर दी है और ये उसका प्रूफ है, तो ये आपको करना ज़रूरी है। और फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपलोड करने होते हैं, जैसे कि कैंसल्ड चेक आपको अपलोड करना होता है, या फ़ोटो कॉपी या पासबुक की कॉपी, सॉरी पासबुक की जो कॉपी है वो आपको अपलोड करनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको जाना है buddyforstudy.com पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, buddyforstudy.com पर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में आप EWS स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10 पास स्टूडेंट सेलेक्ट करें और अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है, आपको जो भी डिटेल्स भरनी है वो भरें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इस तरह आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये था आज का वीडियो, EWS स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10 पास स्टूडेंट्स 2020। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ये बेनिफिशियल भी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बाबिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ और अब मैं स्कॉलरशिप के वीडियोस भी पोस्ट करूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।